ओ शिट, कहाँ से आ रहा है छोटू? तो तेज चलने की क्या जरूरत थी जब आपको पता है ब्रेक नहीं है तो क्या फायदा है भगाने की? चलो कोई नहीं, बचाओ। एक सेकंड, आराम से, कोई बात नहीं। नीचे, बस इसका इसके ऊपर कोड़ा थोड़ा जरा। आप देखो मेरे नाल, मेरे घर दे नाल रहंदा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से चलो, कोई बात नहीं। हेलो 04 फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर होस्ट फिज़ा, बट बैक विद अनदर राइड वीडियो। तो भाई एक्सीडेंट के बाद ना आज पहली राइड है, बाइक को भी अल्हम्दुलिल्लाह फिट कर दिया, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है उसको तो पता ही होगा कि भाई मैंने वहाँ पर ना स्टोरीज वगैरह चढ़ा रखी है। अभी क्या मस्त चल रही है ना, मतलब 30 की स्पीड पे ना भाई क्रैश होना मेरे लिए तो मजाक बन के रह गया। मतलब ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स पे ना मैंने भाई क्या बोलूं यार, बचाया है बाइक को, लेकिन जब हादसा होना होता है ना, ये एक्चुअली किस्मत वगैरह में लिखा रहता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, आप तो ये कर नहीं सकते ना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाइक का ना हैंडल वगैरह मुझे चेक करवाना पड़ेगा, बिकॉज हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हिल रहा है। दिस इज़ द प्लेस जहाँ मैं ऐसे कर देना 44 भी हूँ, आई वॉज मोर देन दैट, एंड हियर आर द CCTVs वगैरह। तो अगर मैं भाग भी जाता देन भाई बहुत सारे ऐसे बोल रहे थे कि आपने भागा क्यों नहीं, लेकिन गलती उनकी थी, ठीक है। लेकिन यार हिट एंड रन का केस बन जाता भाई, तो उसमें तो हालत कंफर्म ख़राब हो जानी थी। इससे अच्छा है जाओ आराम से यार, मेरी एक नसीहत, अगर तुम्हारे वजह से चाहे गलती आपकी हो उनकी हो बुलेट वाले का ना ये उनका दिमाग ख़राब हो जाता है जब स्पोर्ट्स बाइक देखते हो। तो भाई मेरी एक ही नसीहत है सभी से कि भाई ऑलवेज डू वन थिंग, कि अगर आपसे हिट हो रहा है, कोई आपकी गलती है ठीक है ना या ना है, इट डजेंट मैटर। सबसे पहले ना जान बचनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेगी। सबसे पहले उस इंसान की जान बचाओ जो तुम्हारे या तुम किसी हो। क्या साउंड आ रहा है यार, भगा इसीलिए रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई हैंडल स्टेबिलिटी। मैं चेक करना चाहता हूँ भाई कैसी है कैसी नहीं है, बिकॉज क्रैश जो ना आगे की साइड हुआ है, तो भाई ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आगे का व्हील अपनी जगह पे प्रॉपरली है या नहीं है, कोई इशू तो नहीं। मैं फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह 90 पे मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, दैट्स गुड। यू नो वेल गाइस, आज हम कॉलेज की ओर जाएंगे एंड आई विल शो यू माई कॉलेज। यार देखा तो है व्लॉग में, अगर पुराने व्लॉग देखोगे मेरे उन पे आपको पता चल जाएगा, लेकिन भाई आज ना मैं रास्ता वगैरह भी दिखाऊंगा भाई कहाँ से होते हुए जाना पड़ता है, ठीक है ना। दिस द चंडीगढ़ हाईवे बाय द वे, एंड यहाँ से ना आगे जाके यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा है आगे चितकरा यूनिवर्सिटी। छः स्पीड ब्रेकर बना के रखिए गाइस। आज वैसे ओहो
ਬਾਏ ਚਾਚਾ। पीछे वाले टायर ने ना सिकड़ कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना टाइल्स वगैरह है यार, हर टाइम जब भी अधर से बंदा आता है यहाँ पे ना यही एक सीन होता है, ये डाउन है इनको। वो वहाँ का लीन करने का ना अलग ही एक मजा है, रिएक्शन देख रहे हो। चेक आउट द रिएक्शन गाइस, क्या प्यारी प्यारी रिएक्शन मिल रहे हैं ना। और हमेशा ना गियर शिफ्टिंग के बाद जब आप मतलब डाउन शिफ्ट करते हो ना, इस चीज का ध्यान रखना कि मेरी स्पीड कितनी है, क्योंकि ये थोड़ी टेनार है जो 80 पे भी फर्स्ट गियर पकड़ लेगी, 90 पे भी, 120, 130 पे भी जो है ना भाई ये पकड़ लेगी, जो है ना मतलब पकड़ लेगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। हर गियर की अपनी लिमिट है, तो बियॉन्ड इट इस चीज़ का ध्यान रखा करो, बाकी वरना होता क्या है कि भाई आपकी बाइक ना आपको बाइक से फेंक देगी, ठीक है, खुद अपने ऊपर से फेंक देगी। तो आगे कॉलेज है भाई, हम यहाँ पे रुकते हैं, स्टेडियम मिलता है थोड़े टाइम के बाद। मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमारा तो काम नहीं है कोई। आज सोचा था यार आपको आज कॉलेज का रास्ता दिखाते हैं। चलो हम ट्राई कर दे ना, कितने मतलब जगह में जो है ना 30 मतलब 40 पे। ओ भाई, ओ शिट, क्या व्हील यू स्टॉप हुई थी यार, फ्रीक किंग। मेरे आगे वाले टायर में ना हवा बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट नो व्हाई। भाई साहब क्या व्हील हो गई थी, सॉरी स्टॉप ही। अरे यार ये क्या हो गया था, एबीएस होने के बाद भी भाई, व्हाट द हेक। मेरे आगे वाले टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं है यार, इसलिए तो मतलब एबीएस होने के बाद ना ऐसी व्हीली हो गई। मुझे ना अब ध्यान से चलना पड़ेगा भाई, आप खुद चेक करें यार, मतलब मैं कहाँ आ गया था भाई, व्हाट द हेक। रुकी तो मतलब बहुत ज्यादा कम पे, ठीक है ना, नॉर्मल स्टॉपेज दिखाता हूँ आरएस की, ठीक है, 27, 34, 40, ये देखो भाई अभी भी स्टॉप ही हो रही है, पीछे वाला टायर ना स्टिल उठ रहा है। अब सबसे पहले ना मुझे ये चेक करना पड़ेगा, इसको पंचर वगैरह तो नहीं है ना, या कुछ और सीन्स है, तो पहले सबसे पहले जो ना पंचर वगैरह ढूंढना पड़ेगा। बाकी ये तो अभी इसका कुछ सीन ऐसा है कि ये जो है ना ये ट्यूबलेस टायर है, तो भाई इसलिए ना मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे वाली हैंडल थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर रही है। प्यारे प्यारे बच्चे, हेलो भाई, रुक नहीं सका, पीछे ट्रैफिक आ रहा है। थोड़ा सा आगे जाने तो सेंटर में पहुंच गए। वाह क्या बात है, मतलब मेरे लाइफ में डेंजर ही डेंजर है भाई। अब देखो भाई आदमी सामने आ गया था, Thank you.
यहाँ पे ना मैं एक जगह से ब्रेक भी नहीं मार सकता, बिकॉज मैंने देख लिया कि भाई शोर ना कहीं से बहुत ज़्यादा आ रहा है, टक 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 कर रही है बाइक। आई थिंक मुझे लगता है कि अंडरबेली से आ रहा है, तो किसी और चीज़ से आ रहा है। चलना भाई, ठीक है, फोन चला रहा है यार। ओ शिट, कहाँ से आ रहा है छोटू? साइड लगा बाइक एंड चोर। क्या कर रहा है? अब ब्रेक नहीं लगेगा तो रॉन्ग साइड से आके डायरेक्ट ठोक रहा है क्या यार? इसके तो पैसे देने पड़ेंगे यार। मड़गा टूट गया छोटू। ओ यार, तो तेज चलने की क्या जरूरत थी जब आपको पता है ब्रेक नहीं है तो क्या फायदा है भगाने की? चलो कोई नहीं, बचा हो गया यार, टेटा हो गया ना, कोई चक्कर, कोई जगह टेटे ना, कोई चक्कर नहीं, पहला ब्रेक सही करवा, कोई ना, क्यों लेके आया यार? फायदा नहीं है, क्यों जान के साथ खेल रहे हो? हां जब पता ही नहीं है ब्रेक नहीं है तो क्या फायदा है भगाने की? दुकान पे जा, पापा को चल जा। लगी तो नहीं ना, खुद अपना देख, लगी वगी तो नहीं ना? लॉक हो गई। एक सेकंड, आराम से, कोई बात नहीं, बस इसका इसके ऊपर कोड़ा थोड़ा जरा। आप देखो, ओए मेरे नाल, मेरे घर दे नाल रहंदा है। मेरे को नहीं है यार, ये पीछे से क्या हो गया मेरे को क्या हो गया, मुझे समझ खुद नहीं आया। ब्रेक हल्की लगती है, स्कूटी है, थोड़ी बाइक है जो गियर शिफ्ट करके भी कंट्रोल हो जाएगी। चल कोई नहीं, बच गया, बाकी सब ठीक है। इसको थोड़ा सा डैडी ने की कहना पैसा तो डैडी ने कहना। ओ ये होता रहता है, इसमें डैडी घर वाले कुछ नहीं बोले, डरो मत यार, जब स्कूटी गिरना तो गिरना ही है। भाई भीड़ चेक करे यार, मेरा भी ना टूट गया, मुड़ी नहीं गया, टूट गया और क्या भाई। ये तो चलो, ये प्लास्टिक वाला ये चलेगा यार, खुद तो नहीं लगी, बाकी सब ठीक है यार, क्या करे। शुक्र है, मतलब मैंने ज़्यादा स्लो नहीं था, वरना मैं भी गिर जाना था। हाँ जी, मैं व्लॉगिंग करता हूँ। अरे भाई क्या सीन हो रहे यार, मैंने किसी को ठोका यार, आप मेरी खुद देखो भाई, वी आर दिस, मतलब हम राइडर्स, हम छपरीज नहीं है, ठीक है ना, आप लड़ाई करने बैठ जाएंगे, क्या करे यार। लगी तो नहीं ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से चलाओ, कोई बात नहीं। भाई क्या करे यार, समझ नहीं आ रहा है, और पीछे से ना मुझे ऐसा लगा भाई ये हो गया है यार मेरे साथ। अरे ओ तो भाई स्टे ट्यून्ड, आज के व्लॉग को भी हम यही पेंट कर दे, जानी का लुक मैंने नहीं दिखाया आपको, ये चेक करें गाइस, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल नाउ गुड एंड फाइनल, ठीक है भाई। अभी घर जाके ना फिर इसको इंश्योरेंस क्लेम वगैरह करके ना ये सारा चेंज कर देंगे, फिर पेंट खाली है वो जो है ना, मैं पूरा आगे वाले फेंडर्स क्योंकि जमा कर लो सारे जितने भी है, ठीक है भाई वाले। और इसी टाइम ट्यून्ड मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और एक मज़ेदार राइड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।